नमस्कार दोस्तों, आपने बचपन में ऐसी कई कहानियां सुनी होगी जिसमें जीवित प्राणी पत्थर के बन जाते हैं, जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कहानियों में ही नहीं बल्कि सच में भी होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अगर कोई जानवर या पक्षी जाता है तो वह पत्थर का बन जाता है। इस खतरनाक झील को मेड्यूसा लेक या जॉम्बी लेक के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी में एक फीमेल कैरेक्टर मेडुसा से प्रेरित होकर रखा गया है, जो दिखने में बेहद ही डरावनी है। कहानी के मुताबिक वह जिसे भी एक बार देखती है वह पत्थर का बन जाता है। यह झील बेहद ही खतरनाक है, जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है। वहां के लोग इस झील को नेट्रोन झील कहते हैं। यह रहस्यमय झील अरूसा क्षेत्र के नगोनगोरो जिले में स्थित है। इस रहस्यमय झील के बारे में यह कहा जाता है कि जैसे ही आप इस झील के नजदीक जाएंगे, आपको लाल रंग का पानी इस झील में देखने को मिलेगा, जहां पर कई पशु पक्षियों की मूर्तियां नजर आएंगी। असल में यह उन पशु पक्षियों की लाशें हैं जो मूर्ति की तरह बन गए हैं। यह दृश्य देखने में बेहद ही डरावना लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां के स्थानीय लोग इस इलाके में जाने से भी डरते हैं। लोगों का मानना है कि यह झील शापित है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है जो वहां जाने वाला सभी पशु पक्षी मूर्ति बन जाते हैं। इसके बाद सामने आया कि ऐसा इस झील में मौजूद पानी की वजह से होता है। दरअसल इस झील के पानी में सामान्य पानी के मुकाबले कई अधिक मात्रा में एल्कलाइन मौजूद है। इसकी वजह से इस पानी का पीएच 10.5 तक हो जाता है। डाइन्यो लेंगाई ज्वालामुखी को इस बढ़े हुए एल्कलाइन की मात्रा की वजह माना जाता है। इस ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा इस झील के पानी में मिलता है और पानी को एल्कलाइड बना देता है, जो बेहद ही खतरनाक होता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिसके लावा में नेट्रोकार्बोनाइट मिलता है। इतना ही नहीं, इस झील के पानी में ऐसे कई केमिकल पाए जाते हैं जिनकी वजह से यहाँ मरने वाले पशु पक्षियों की लाशों के सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ के पशु पक्षियों की लाशें बिल्कुल मूर्तियों जैसी बन जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।